अफगानिस्तान में जो चल रहा है उससे हर कोई वाकिफ है। तालिबान अपना कब्जा अफगानिस्तान पर जमाना चाहता है और अब तक की खबरों के मुताबिक तालिबान 80% से ज्यादा अफगानिस्तान को हथिया चुका है। भारत और अमेरिका की वार्ता अफगानिस्तान को लेकर पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब तक सुपर पावर की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा ताकि आम नागरिकों को बचाया जा सके। जब से अमेरिकी सेना ने अपने कदम पीछे हटाए हैं, तब से ही तालिबानियों ने महिलाओं बच्चों पर अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। तालिबान के जुल्म सितम सहने के बाद अब अफगानिस्तान की सेना भी जमकर तालिबानियों को करारा जवाब दे रही है, लेकिन तालिबानियों की संख्या ज्यादा होने से अफगानिस्तान की सेना भी दिन पर दिन कम होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार तालिबान ने ट्विटर के जरिए ये दावा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार पर अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने बतौर ट्वीट कर कहा कि मुजाहिदीन शहर के शहीद चौक तक पहुंच गए हैं। बता दें कि तालिबान अब तक अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। यही नहीं बल्कि आतंकियों ने गजनी पर भी अपना कब्जा कर लिया है ताकि सरकारी बलों सेना की आपूर्ति का सामान सेना तक न पहुँचने पाए। तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जारी जंग बढ़ती जा रही है। ऐसे में अमेरिका और जर्मनी ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द शहर छोड़ने की बात कही है। गौरतलब है कि जंग तेज होती जा रही है, ऐसे में जरूरी है कि दुनिया के अलग अलग देशों को अफगानिस्तान के समर्थन में उतरना चाहिए। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।